उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। आज सुबह से ही मतदान केंद्र पर वोटरों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर छठे चरण की वोटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिन सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं उसमें गोरखपुर का वो सीट भी शामिल है जहां से योगी आदित्यनाथ की किस्मत दांव पर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा काबिज होने के लिए यह सीट बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए जीतना बेहद खास हो गया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा इस सीट पर लगी हुई है, दांव पे प्रतिष्ठा है, लिहाजा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर से यूपी के मैदान में उतरने से पहले, मतदान करने से पहले वो गोरखनाथ मंदिर में गए, विधिवत उन्होंने पूजा की। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में जब भी बाबा योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, पहले वो मठाधीश रह चुके हैं, तो पूजा अर्चना करना नहीं भूलते हैं। कोई भी मौका हो वो गोरखपुर जरूर जाते हैं और गोरखपुर जाने के बाद वहां पूजा अर्चना करते हैं। आज सुबह से ही जिन 6 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है वहां पे जो मतदाता है उनकी लंबी कतार देखने को मिल रही है। इस बीच कई राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनकी अलग अलग वोटिंग के दौरान प्रतिक्रिया भी आई है। समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन समाज पार्टी की बात करें, छठे चरण पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दें कि अब तक जो मतदान का प्रतिशत है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सीट सहित तकरीबन 57 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है। 57 सीटों पर वोटिंग सुबह से ही शुरू हो गई, जिसमें कुशीनगर के तमकुही राज सीट पर कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार की जो किस्मत है वो दांव पर लगी हुई है। साथ ही साथ गोरखपुर में बाबा योगी आदित्यनाथ का जो चुनावी क्षेत्र है और गोरखपुर के 10 जिले सहित 57 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से ही वोटिंग की जा रही है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से जो वोटिंग शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। वोटिंग को सुरक्षित मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। समाजवादी पार्टी की भी प्रतिष्ठा इन 57 सीटों पर दांव पे है, तो बहुजन समाज पार्टी जो सुप्रीमो है मायावती की भी किस्मत दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ साथ प्रियंका गांधी का यह इलाका भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रियंका के लिए आज जिन सीटों पर चुनाव चल रहा, आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले आरपीएन सिंह का भी यह क्षेत्र है। 57 सीटों का जो विधानसभा का रण आज सुबह से जारी है, इसमें कई दिग्गजों के साथ साथ उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है जो इस चुनाव में निर्णायक हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो ताजा अपडेट निकल के सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि सुबह से जो वोटिंग की जो रफ्तार है वो काफी तेज दिख रही है। जो वोटर है, जो मतदाता है, वो लगातार सुबह से ही मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं। सबसे खास बात यह है कि ये बीजेपी के गढ़ वाली सीटें बताई जा रही है। जिन सीटों पर आज चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भी जोर अजमाइश जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में जिन 10 जिलों के 57 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उसे लेकर मायावती ने सीधे तौर पर कहा है कि हिंसा और अभद्रता पर उतरे हैं विरोधी। इस सीट पर जो भी मतदान करने वाले लोग हैं वो उत्तर प्रदेश के विकास को देखते हुए मतदान करें। योगी आदित्यनाथ ने भी अपने वोट कास्ट करने के बाद दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा चुनाव जीत कर आ रही है। सभी राजनीतिक दल के अपने अपने जो दावे हैं वो निकल के सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी ने कई विधानसभा सीटों पर बूथों में खामियों की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है। इस बीच बीजेपी, समाजवादी पार्टी, मायावती और कांग्रेस सब ने अपने अपने स्तर से इस वक्त एक तरफ जो वोटर कतार में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ निर्णायक, क्योंकि 10 मार्च को परिणाम आने हैं और 10 मार्च के पहले सेमीफाइनल का जो मैच है वो आज उत्तर प्रदेश के अंदर खेला जा रहा है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।